नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि फल वर्ष 2022 के बारे में। कुंभ राशि वालों का वर्ष 2022 कैसा रहेगा, कौन सी घटनाएं घटित होंगी, कौन से बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। जैसे वर्ष 2022 में आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, धन की स्थिति कैसी होगी, कुटुंब की स्थिति कैसी होगी, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान की क्या स्थिति होगी, शिक्षा संतान प्रेम विवाह की क्या स्थिति होगी, कंपटीशन आप निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति होगी, विवाह होगा या नहीं होगा, भाग्य साथ देगा, किस्मत साथ देगी या नहीं देगी, व्यापार व्यवसाय और नौकरी की क्या स्थिति रहेगी, वर्ष 2022 में कितना आपको लाभ होगा और कितना नुकसान होगा, कहां पर आपको सावधानी रखना है, तो आइए जानते हैं। यह फलादेश चंद्र कुंडली पर आधारित है, आप नाम राशि के आधार पर भी इसको अप्लाई करके जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं, वर्ष 2022 में अप्रैल के महीने में चार ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जो कि बड़े ग्रह हैं, जिनका राशि परिवर्तन एक साल में होता है, डेढ़ साल में होता है या फिर ढाई साल में होता है। ऐसे ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके क्षेत्रों पर बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, 13 अप्रैल को गुरु का मीन राशि में गोचर होगा, 13 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन होगा, 12 अप्रैल को राहु का राशि परिवर्तन होगा, मेष राशि में गोचर करने लग जाएंगे, वृषभ राशि को छोड़ करके मेष राशि में गोचर करेंगे, और 19 अप्रैल को शनि का कुंभ राशि में गोचर होगा, जो कि शनि मकर राशि में 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, अब लगन भाव में गोचर करेंगे, तो ऐसे में बड़े परिवर्तन करेंगे। इसी प्रकार 12 अप्रैल को केतु का तुला राशि में गोचर होगा, जो कि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे, अब तुला राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो इन चार ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और अप्रैल के महीने में ही चार ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में ये ग्रह बड़े बदलाव कर सकते हैं। 13 अप्रैल को गुरु का मीन राशि में गोचर होगा, जो कि गुरु जो है कुंभ राशि में लगन भाव में गोचर कर रहे थे, अब लगन भाव में गुरु का गोचर अच्छा माना जाता है, कॉन्फिडेंस के लिए काफी अच्छा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि कर देता है, धन यश मान सम्मान को दिलाता है, संतान के स्थितियों को भी ठीक करने का प्रयास करता है, विवाह का योग बनाता है, वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहता है, स्वास्थ्य पर विशेष असर डालता है और स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। तो गुरु का लगन भाव में गोचर काफी अच्छा माना जाता है, जो कि 13 अप्रैल तक गुरु का गोचर लगन भाव में ही रहने वाला है। गुरु यहां से पंचम दृष्टि आपके शिक्षा संतान और प्रेम विवाह में डालेंगे, तो यहां पर भी काफी अच्छी स्थिति रहेगी 13 अप्रैल तक, शिक्षा संतान प्रेम विवाह बहुत अच्छा, यहाँ पर लाभ आप ले सकते हैं, शेयर मार्केट ट्रेडिंग या फिर बैंक फाइनेंस इंश्योरेंस मार्केटिंग से इन सेक्टर में काफी अच्छा लाभ मिल सकता है, क्योंकि गुरु की पांचवी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। संतान से कुछ ना कुछ जो है अच्छे सफलता के योग बन सकते हैं, शिक्षा के लिए आप सफलता के योग ले सकते हैं, कंपटीशन में आपको सफलता मिल जाएगी, उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं, प्रेम विवाह भी आपका सफल हो जाएगा, तो यहां पर काफी अच्छी स्थिति गुरु की रहेगी। गुरु यहां पर बैठ करके सप्तम दृष्टि आपके विवाह के भाव में डालेंगे, वैवाहिक जीवन के भाव में डालेंगे, तो वैवाहिक जीवन को भी सुधारने का काम करेंगे, वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा, पार्टनरशिप के साथ यदि आप व्यापार करते हैं तो वहां पर भी स्थितियों में सुधार आएगा और व्यापार आपका बहुत अच्छा रहेगा। यहां पर गुरु बैठ करके नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव में डालेंगे, तो भाग्य में वृद्धि होगी, किस्मत साथ देगी, भाग्य साथ देगा, पिता का सहयोग मिलेगा, धर्म कर्म में आप रुचि लेंगे, वही जो है आपको यश मान सम्मान वैभव कीर्ति ये सब कुछ मिलेगी। कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि नवम भाव भाग्य भाव में पड़ने से आपका भाग्य बदल सकता है, किस्मत बदल सकती है, आपको जबरदस्त लाभ हो सकता है, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप स्वयं का काम करते हो, गुरु का वहां पर जो है दृष्टि भाग्य भाव में काफी अच्छी मानी जाती है। तो गुरु भाग्य भाव में दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य को संवारने का काम करेंगे। गुरु का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा
और 13 अप्रैल को गुरु जो है कुंभ राशि को छोड़ करके अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे, जो कि दूसरे भाव में गोचर करेंगे। और दूसरा भाव होता है धन का, कुटुंब का, परिवार का, और यहां पर गुरु का गोचर काफी अच्छा माना जाता है। द्वितीय भाव में गुरु कारक होते हैं, धन कारक होते हैं, तो गुरु द्वितीय भाव में काफी अच्छे परिणाम देने वाले हैं। और गुरु के पास बड़े डिपार्टमेंट है, गुरु धन का कारक है, गुरु संतान का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु जो है शिक्षा का कारक है। तो गुरु यहां पर गोचर करेगा धन भाव में, तो धन में वृद्धि करने का काम करेगा, क्योंकि वो स्वयं की राशि में गोचर कर रहा है। वैसे गुरु अकेला गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी गुरु स्वयं की राशि में है, इसलिए यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वराशि में गुरु बैठा है और अपने भाव को कोई भी ग्रह खराब नहीं करता है, तो गुरु का यहाँ पर गोचर काफी अच्छा रहेगा। धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, क्योंकि ये आय के मालिक है, आय के मालिक होकर के धन के क्षेत्र में बैठे हैं, तो आय में वृद्धि देखी जाएगी। 13 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं आपको धन का लाभ होगा। जो भी आप करते हैं, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हैं, उन आयों में आपकी वृद्धि होने वाली है। कहीं ना कहीं नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, प्रमोशन, या तो फिर आप नौकरी स्विच करके दूसरी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें सैलरी वृद्धि हो, ये बहुत अच्छे फल देने वाले। यहां पर बैठ करके 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि आपके छठे भाव में डालेंगे, कहीं ना कहीं कंपटीशन में आपको सफलता मिलने वाली है। रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, मामा है, मौसी है, इनसे कुछ लाभ दिलाने का काम करेंगे। तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके ऋण भाव में होने से कोर्ट कचहरी में कोई यदि मामला चल रहा है तो उसमें आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो समाप्त हो सकता है, उसमें आपको लाभ मिल सकता है, तो ये स्थितियां भी ठीक ठाक रहने वाली है। इंटरव्यू कहीं देने जाते हैं, कंपटीशन देने जाते हैं, तो उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलते हुए दिख रही है। गुरु यहां पर बैठ करके अष्टम दृष्टि आपके सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव में डाल रहे हैं, ऐसे में गुरु रहस्यों का ज्ञान आप ले सकते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका मनोबल बढ़ेगा, वही ससुराल पक्ष से लगाव बढ़ेगा, ससुराल पक्ष से कुछ लाभ होगा, गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है। आप जुआ है, सट्टा है, लॉटरी है, शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, इन क्षेत्रों पर भी जा सकते हैं और आप खासा लाभ ले सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है तो ये लाभ आप जरूर ले सकते हैं। गुरु यहां पर बैठ करके नवम दृष्टि सप्तम अष्टम नवम आपके कैरियर क्षेत्र में डालेंगे, कैरियर को मजबूत करेंगे। आप कुछ भी करते हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वो आपके कैरियर को मजबूत करने का काम करेगा गुरु, क्योंकि कैरियर के भाव में दृष्टि रहेगी और वहां पर मंगल स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए वहां पर आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलने वाला है, प्रमोशन मिल सकते हैं नौकरी में। स्वयं का व्यापार है तो आप स्वयं के व्यापार में जबरदस्त लाभ ले सकते हो। जो लोग शिक्षा का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, उनका प्रमोशन हो सकता है, उनको जबरदस्त लाभ मिल सकता है। जो लोग बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उनको जबरदस्त लाभ मिल सकता है, जबरदस्त बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो गुरु की दृष्टि नवम दृष्टि दशम भाव में कैरियर के क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव ला सकते हैं, तो इसमें आप जो है लाभ ले सकते हैं। 13 अप्रैल के बाद ये लाभ होगा आपको। तो गुरु का गोचर आपके फेवर में रहने वाला है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला है, धन या समान सम्मान को देने वाला है, तो ये 13 अप्रैल के बाद इसका लाभ ले सकते हैं। बात करेंगे 12 अप्रैल राहु का मेष राशि में गोचर। राहु और केतु दोनों वक्री ग्रह होते हैं, सदैव उल्टा चलते हैं। अब वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, जो कि वृषभ से उनको मिथुन में आना चाहिए, लेकिन वक्री होने के कारण वृषभ से वो मेष राशि में गोचर करेंगे, उनका राशि परिवर्तन होगा और मेष राशि में जो है राहु का गोचर होगा। कुंभ राशि के लिए राहु का गोचर 12 अप्रैल के बाद काफी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि राहु का गोचर यहां पर काफी अच्छा माना जाएगा। तीसरे भाव में, छठे भाव में भी अच्छा होता है और लाभ भाव में भी अच्छा होता है, इसके इस कारण से राहु आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। राहु का राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए बदलाव लेकर के आने वाला है, यहां पर बल पराक्रम में वृद्धि करेगा, जो भी आप कर्म करोगे उसमें जो है लाभ देने का कार्य करेगा और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाने का कार्य करेगा। जल्दीबाजी आपको नहीं करना है। राहु यहां पर बैठ करके 1, 2, 3, 4, 5 आपके विवाह भाव में दृष्टि डालेगा, प्रेम विवाह के योग बनाएगा, उसमें आप प्रेम विवाह में आप सफल हो सकते हैं पूर्ण रूप से, पार्टनरशिप में भी आप लाभ ले सकते हैं, व्यापार में बहुत अच्छा लाभ होगा। राहु की नवम दृष्टि भाग्य भाव में पड़ेगी,
भाग में वृद्धि करने का काम अचानक धन लाभ हो सकता है, गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, इन क्षेत्रों से आप जो है धन अर्जित कर सकते हैं यदि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति और गुरु की स्थिति अच्छी है तो लाभ हो सकता है। राहु यहां पर बैठ करके नवम दृष्टि, सप्तम, अष्टम, नवम लाभ भाव को देखेंगे, लाभ में वृद्धि करेंगे, कई सारे स्रोत पैदा कर देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, कई सारे स्रोत आय में पैदा कर देंगे। राहु राजनीति का कारक होता है, राजनीति में सफलता दिलाने का कार्य करेगा, कहीं ना कहीं सरकार पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। तो राहु का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। राहु राजनीति का कारक होता है, यहां पर जब गोचर करता है तो यश मान सम्मान भी दिलाता है, वैभव भी दिलाता है, लग्जरियस लाइफ दिलाता है, कब किस्मत पलट दे कोई पता नहीं है। तो राहु के यहाँ पर अच्छे परिणाम आप ले सकते हैं, राहु का जो राशि परिवर्तन है ये आपके फेवर में रहेगा। लेकिन राहु चतुर्थ भाव में 12 अप्रैल तक रहेंगे। अब चतुर्थ भाव में 12 अप्रैल तक राहु रहेंगे तो माता के स्वास्थ्य को जो है थोड़ा सा खराब करने का काम करेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान यदि आप क्रय करते हैं 12 अप्रैल तक तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ करके क्रय करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप गलत प्रॉपर्टी क्रय कर ले, हो सकता है गलत व्यक्ति से आप जो है प्रॉपर्टी खरीद ले, तो इस कारण से सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी। प्रॉपर्टी खरीदते समय, मकान खरीदते समय आपको ये सावधानी जरूर रखनी चाहिए, नहीं तो कई लोग जो है आपको गलत प्रॉपर्टी जो है दे देंगे और उसमें आपको काफी नुकसान होगा, आप परेशान होते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, सोच समझ करके काम करना। राहु यहां पर बैठ करके 1, 2, 3, 4, 5 आपके अष्टम भाव में पंचम दृष्टि डालेंगे तो गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, आप गुप्त विद्याएं प्राप्त कर सकते हैं। कब तक? 12 अप्रैल तक। गुप्त धन के साथ साथ ससुराल पक्ष से भी अच्छी स्थिति के योग बनते हैं तो यहां पर भी आपको लाभ होगा। राहु सप्तम दृष्टि आपके कैरियर भाव में डालेंगे तो कैरियर को मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है यहां पर विलंबता का भी काम करेंगे, अटकाने का काम करेंगे और विघ्नों के साथ काम करेंगे, कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं हो पाएगा क्योंकि राहु यहाँ पर गोचर में अच्छे परिणाम नहीं देते। इसलिए कैरियर को 12 अप्रैल तक रुकावट डालेंगे, विघ्न डालेंगे, परेशानियां डालेंगे, मनमुटाव डालेंगे, स्थितियों को खराब करने का काम करेंगे, इसलिए सावधानी रखने की जरूरत है। राहु की नवम दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है, व्यय ज्यादा होगा, नुकसान ज्यादा होगा, आय से ज्यादा खर्च होंगे, इसलिए लगाम लगाने की जरूरत रहेगी। कब तक? 12 अप्रैल तक। उसके बाद राहु का राशि परिवर्तन होगा तो दिक्कत नहीं रहेगी, इसलिए खर्चों को कम करें, बचाने का प्रयास करें। राहु यहां पर फिजूल के खर्च करवा देता है तो ये स्थितियां रहने वाली है तो यहां पर सावधानी रखने की जरूरत है। 19 अप्रैल को शनि का कुंभ राशि में गोचर होगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छे बदलाव, क्योंकि कुंभ राशि में शनि का गोचर होने वाला है। अभी तक 12वें भाव में गोचर हो रहा था क्योंकि कुंभ राशि वालों को बड़ी परेशानियां थी, बड़ी दिक्कतें थी, खर्चे ज्यादा थे, नुकसान ज्यादा थे, परेशानियां ज्यादा थे, आय कम हो रही थी, व्यय ज्यादा हो रहा था और हर क्षेत्र में नुकसान हो रहा था। लेकिन अब शनि अपनी स्वयं की राशि में गोचर करने वाले हैं, ऐसे में सस नामक राजयोग का निर्माण करेंगे और शनि काफी अच्छे परिणाम देने वाले हैं। शनि जब लगन भाव में गोचर करेंगे तो कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे, आपके कार्य जो रुक रहे थे, रुकावट आ रही थी, वो बनने लगेंगे, शीघ्र बनने लगेंगे और हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलने लगेगा। बल पराक्रम में वृद्धि होने वाली क्योंकि तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव में रहेगी, बल पराक्रम में वृद्धि होगी, दूर संचार के माध्यम से आप काफी अच्छा लाभ ले सकते हैं। यदि आप लेबर कास्ट का काम करते हैं जबरदस्त सफलता के योग बनेंगे, यदि आप मशीनरी से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो सफलता मिलने के काम है, यदि आप जूते चप्पल से जुड़े हुए कार्य करते हैं या फिर ऐसा कार्य करते हैं जो नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिविल सर्विस, इन क्षेत्रों के लिए जबरदस्त बदलाव हो सकते हैं तो शनि जो है आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव में रहेगी तो वैवाहिक जीवन आपका सुधार होगा, वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा, पार्टनरशिप यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। गुरु की दशम दृष्टि आपके कैरियर के क्षेत्र में पड़ेगी, कैरियर को मजबूत करने का काम करेंगे, वहीं आप व्यापार व्यवसाय या स्वयं का कार्य अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ हो सकता है। तो शनि की ये दृष्टि, दशम दृष्टि आपके कैरियर के क्षेत्र में काफी अच्छी रहने वाली है।
लेकिन जनवरी के महीने में थोड़ा सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी। चोट चपेट लगने के योग बन सकते हैं, छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो सकते हैं, इसलिए जनवरी के महीने में सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी। शनि मकर राशि में 19 अप्रैल तक रहेंगे, 19 अप्रैल के बाद यहां पर आएंगे, तो वहां पर रहेंगे तो थोड़ी सी आपको 19 अप्रैल तक परेशानियां रहेंगी, व्यय ज्यादा होगा, मेहनत आप करोगे सफलताएं कम मिलेगी, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा सफलताएं कम मिलेंगी, काम आपके बनते बनते बिगड़ जाएंगे। तो ये 19 अप्रैल तक स्थिति आपकी ठीक नहीं रहेगी, 19 अप्रैल तक स्थिति आपकी खराब रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर हो सकती है, व्यय ज्यादा हो सकता है, नुकसान ज्यादा हो सकता है, इसीलिए ध्यान रखने की जरूरत है। शनि यहां पर बैठ करके तीसरी दृष्टि आपके धन भाव में डालेंगे, धन ज्यादा व्यय करेंगे, नुकसान करेंगे, कुटुंब परिवार में मतभेद की स्थिति पैदा करेंगे, परिवार में लड़ाई झगड़ा करवाने का काम करेंगे। कब तक? 19 अप्रैल तक। शनि यहां पर बैठ करके सप्तम दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रु के भाव में डालेंगे, तो यहां पर शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, विदेश जाकर के आप विदेश में सेटलमेंट हो सकते हैं, व्यापार नौकरी कर सकते हो, यह आपको लाभ मिल सकता है। दशम दृष्टि सप्तम अष्टम नवम दशम भाग्य भाव में डालेंगे, बहुत अच्छा योग बनेगा विदेश के लिए, आप विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। कब तक? 19 अप्रैल तक, वहां पर आपको सफलता मिल सकती है, भाग्य साथ देगा, किस्मत साथ देगी यदि आप विदेश जाकर के कार्य करते हैं। यदि आप अपने जन्म स्थान में रहकर के कार्य करेंगे तो ज्यादा सफलता आपको नहीं मिलने वाली है, परेशानियां आपको रहने वाली है, सफलता कम मिलेगी आपको, तो ये स्थितियां रहेंगी। 12 अप्रैल को केतु का तुला राशि में गोचर होने वाला है, जो कि वृश्चिक राशि में केतु गोचर कर रहे थे, अब बढ़िया भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि केतु का गोचर भाग्य भाव में और लाभ भाव में जबरदस्त देखा जाता है, क्योंकि ये एक धार्मिक ग्रह है, धर्म कर्म में काफी अच्छी रुचि रखते हैं, धर्म कर्म में वृद्धि कराने का कार्य करते हैं, और केतु भाग्य भाव में बैठ जाए तो भाग्य में अच्छे परिणाम देने का कार्य करते हैं, भाग्य को बदल देते हैं, यश मान सम्मान भी दिलाते हैं, धन भी दिलाते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करते हैं, तो यहाँ पर केतु का गोचर अच्छा रहेगा। केतु पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 लगन भाव में डालेंगे, कॉन्फिडेंस में वृद्धि रहेगी, कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कब? 12 अप्रैल के बाद। केतु सप्तम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे, कहीं ना कहीं बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, दूर संचार के माध्यम से आप लाभ ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में आप लाभ ले सकते हैं, पत्रकारिता या आप जो है शेयर मार्केट इन क्षेत्रों में भी लाभ ले सकते हैं। नवम दृष्टि जो है केतु की आपके पंचम भाव में, प्रेम विवाह में सफलता के योग बनते हैं, उच्च शिक्षा के योग बनते हैं, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक ठाक रहेगा, तो ये स्थितियां केतु की अच्छी रहेगी, केतु आपको अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन केतु जब दशम भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा दिक्कत देते हैं, इसलिए जो है केतु का जब राशि परिवर्तन होगा तब आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। केतु यहाँ पर कार्यों को विलंबता करता है, केतु का गोचर दशम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए यहाँ पर रुकावट डालने का कार्य करेगा, ज्यादा संघर्ष करवाएगा, सफलताएं कम दिलाएगा। अब हम बात कर लेते कि जनवरी के महीने में अन्य ग्रहों की क्या स्थिति होगी। जनवरी के महीने में यदि हम बात करें तो सूर्य लाभ भाव में गोचर करेगा, बहुत अच्छा है, लाभ देगा, यश मान सम्मान दिलाएगा, नौकरी में आपको सफलता दिलाने का काम करेगा, सरकारी नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो सफलता जबरदस्त मिलने वाली है, लाभ भाव में सूर्य का गोचर काफी अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव में सूर्य की रहेगी, शिक्षा संतान प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम यहाँ पर सूर्य महाराज करने वाले हैं। सूर्य के बाद हम बात करेंगे मंगल के बारे में, तो मंगल रुचक नामक राजयोग बना करके जनवरी के महीने में यहाँ पर 16 जनवरी तक रहने वाला है, जो कि जबरदस्त लाभ दिलाएगा। मंगल रुचक नामक राजयोग देगा, कैरियर के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देगा, और दिसंबर जनवरी के महीने में आपको जबरदस्त लाभ मिल सकता है, कैरियर में आपका ग्रोथ देखने को मिलेगी, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे व्यवसाय करते हो, चाहे नौकरी करते हो, उसमें आपको ग्रोथ जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। मंगल यहाँ पर बैठ करके चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 आपके लगन भाव में डालेंगे, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे, लेकिन थोड़ा जल्दीबाजी कराने का काम करेंगे, सतर्कता बरतना, वही जो है छोटे मोटे दुर्घटना के योग बन सकते हैं जनवरी के महीने में, सतर्कता बरतने की जरूरत है, यात्राएं कम करें, और यात्रा यदि करते हैं तो वाहन ना चलाएं, इसलिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मंगल जो है सप्तम दृष्टि से आपके भूमि भवन प्रॉपर्टी के भाव में देख रहा है,
कहीं न कहीं दिसंबर और जनवरी के महीने में आप भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया निर्माण कर सकते हैं, मकान का निर्माण कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या आप जो है क्रय विक्रय कर सकते हो। तो इसमें आपको जबरदस्त लाभ मिल रहा है, बिल्कुल लाभ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अष्टम दृष्टि जो है पंचम भाव में पड़ रही, शिक्षा संतान प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, जबरदस्त सफलता के योग बनते हैं, मंगल आपको अच्छे परिणाम देने वाले। अब बात करेंगे हम बुध के बारे में। बुध का गोचर 12वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, ज्यादा व्यय होगा, वाणी पर संयम रखने की जरूरत है, नुकसान हो सकता है। पंचम भाव के मालिक, अष्टम भाव के मालिक होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, विदेश से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा, लेकिन वाणी पर संयम रखने की जरूरत रहेगी, नहीं तो शत्रु पैदा हो जाएंगे। कटु वाणी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, बुध का गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा। शुक्र के बारे में भी बात करें तो शुक्र का गोचर यहाँ पर अच्छा माना जाता है, लग्जरियस लाइफ देते हैं, शुक्र आपके सुख भाव के मालिक, भाग्य भाव के मालिक, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, जनवरी के महीने में क्या कहना है, जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा, लग्जरियस लाइफ रहेगी, यश मान सम्मान वैभव धन सब कुछ मिलेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, शुक्र का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप संगीतकार हैं तो उसमें आपको यश मान सम्मान मिल सकता है, यदि आप पत्रकार हैं तो उसमें आपकी सैलरी वृद्धि के योग बन सकते हैं। कला के क्षेत्र में कोई भी काम करते हैं, फैशन डिजाइनर ब्यूटी पार्लर, जबरदस्त लाभ मिलने वाला है, इन क्षेत्रों में आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2022 काफी बड़ा परिवर्तन लेकर के आया है, जबरदस्त लाभ मिल सकता है आपको, और जहां पर आपको नुकसान हो रहा है वहां पर आप उपाय करें। यह एक सामान्य फलादेश है, आपकी कुंडली के आधार पर आप जो है गोचर अप्लाई करके जान सकते हैं, या हमसे करवा करके आप जान सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि वर्ष 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, कौन से ग्रहों को ठीक करना है, कौन से ग्रहों का उपाय करना है, अपने कैरियर को कैसे बदलना है, कैसे लाभ लेना है, ये सारी स्थितियां कुंडली विश्लेषण करवा करके आप जान सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद।